हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ मेरा नया अनुभव लेकर आती रहती हूँ। फिलहाल मैंने वेस्टीज कंपनी ज्वाइन की है और मुझे ज्वाइन करने से लेके आज तक मुझे 3 महीने हो चुके हैं और मेरे साथ क्या हुआ और मैं कैसे इसे फेस कर रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं जो आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और आप अगर इन चीज़ों को देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम में आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। प्रेस्टीज कंपनी को कैसे ज्वाइन करी और मैं प्रेस्टीज कंपनी में कैसे काम करने लगी। तो फ्रेंड्स, एक दिन मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, अभी इस समय क्या चल रहा है। उन्होंने बोला कि मैं अपने काम के साथ साथ अभी प्रेस्टीज कंपनी में काम कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ मुझे प्रेस्टीज का नाम बताया, ये भी नहीं बताया कि आप करो या नहीं करो। मैंने सिर्फ उनके मुँह से नाम सुना कि प्रेस्टीज कंपनी में वो काम कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी कई सालों पहले सुन रखा था। जब मेरे सामने प्रेस्टीज का नाम आया तो मैंने सोचा कि मुझे प्रेस्टीज कंपनी में काम करना है। उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं हर रास्ते ढूंढती रहती हूँ जो मुझे आगे बढ़ा सके, और मैं ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहती जो मैं कर सकती हूँ और मैं करूँ नहीं। तो मैं हर रास्ते पर आज तक चलती आ रही हूँ और चल के देखना चाहती हूँ कि मुझे क्या इससे हासिल हो सकता है। तो इसी तरह से जब प्रेस्टीज का नाम मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि ये कंपनी पहले भी मैंने सुनी थी और आज तक ये कंपनी चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो बात है, मैं इसे ज़रूर ज्वाइन करूँगी और मैं इस पर काम करूँगी। तो उन्होंने तो बस इतना कह के फ़ोन हमारा बात ख़त्म हो गई थी, फ़ोन बंद हो गया था। उसके बाद मैंने 2-4-10 दिन बाद फिर उन्हें कॉल किया और मैंने पूछा कि अगर इसमें हमें ज्वाइन होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ज्वाइन होने के लिए आपको आधार कार्ड या ये सारी चीज़ें लगेंगी, तो आप मेरे सर से जो मेरे अपलाइन हैं आप उनसे जाके बात कर सकते हो और वो आपको ज्वाइनिंग करा देंगे। हम जाके उनके सर से मिले, ठीक है, हम ज्वाइन भी हो गए। उस वक्त मुझे यानी इसकी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं पता थी, ये प्रोसेस भी नहीं पता थी कि काम कैसे करना है। बस हमें पता था ज्वाइन होना है, हम ज्वाइन हो गए। उसके बाद हम ज्वाइन होने के बाद 2-4-10 दिन हमने काम नहीं किया, यानी कि उसके बारे में सीरियस नहीं थे, ज्वाइन तो हो गए पर हमें पता नहीं था। हमें उनके अपलाइन से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि सामान लेना है, प्रोसेस करना है, यानी कि अपने घर का सामान यूज करके इसमें आगे बढ़ना है। मैंने उतना काम किया, मैं जाके सामान ली वहाँ से, दुकान से। उसके बाद मुझे लगा कि अभी भी ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें काम कैसे करना है। उसके बाद मैंने उनसे बात करी और मैंने पूछा कि मुझे पूरी तरह से कौन समझा सकता है। उन्होंने अपने अपलाइन का पता बताया, हम वहाँ गए, वहाँ जाके हमने अच्छे से इसको समझा, यानी कि ये प्रोसेस करते करते कम से कम हमें 2 महीने लग गए। तो 2 महीने बाद हमें थोड़ा समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि हमें प्रोडक्ट यूज करना है और काम करना है। फिर भी हमें ये नहीं समझ में आया कि रेगुलर यूज करना है कि कैसे क्या करना है। फिर हमने CP कराई, CP सुना, तो जो इस विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है, जब हम उससे ज्वाइन हुए, उससे ज्वाइन होते ही मेरे अंदर एक अलग ही बदलाव आया, यानी कि जो सारी चीज़ें मैं इधर उधर से ढूंढ रही थी वो सारी चीज़ें मुझे उस CP में मिली। जो एक विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, जो विनिंग टीम सपोर्ट सिस्टम है, अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है तो अगर उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं और उस सिस्टम को हम सब्सक्राइब करते हैं, 365 रुपये में वो CP सब्सक्राइब कर सकते हैं हम, बहुत ही कम प्राइस है और साल भर के लिए हमें वो सुविधा प्राप्त हो जाती है। जिस दिन से मैंने CP सुनना शुरू किया उस दिन से मुझे पूरा डाउट्स मेरा क्लियर होता चला गया, मुझे पूरी बातें समझ में आने लगी कि इस बिजनेस में ग्रोथ कैसे हो सकती है, ग्रोथ कैसे करना चाहिए और कैसे हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ, यानी कि जैसे हम किसी के पास जाते हैं जब, तो वो ये समझते हैं कि इनकी इनकी यानी ज़रूरत है इसलिए वो हमारे पास आए हैं। पर आप सोचिए कि मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप मेरे से ज्वाइन हो, मुझे लगा मेरी ज़रूरत है, मुझे आगे बढ़ना है, और मैंने वो सारे प्रयास करे जो इसमें मैं समझ सकूँ कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है। मुझे कोई सपोर्ट यानी शुरुआत में नहीं था कि मुझे कोई ज़बरदस्ती बोले कि हाँ तुम्हें ये करना है कि ऐसा करना है, काम करना है। मुझे मेरी इच्छा थी आगे बढ़ने की, मुझे कुछ पाना था जिसके लिए मैंने खुद रास्ते चुन रही थी, सिर्फ मुझे रास्ते बताने वाला इंसान चाहिए था। तो फ्रेंड्स,
हम जब ये गलती कर देते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है उस वक्त हम ये सोच लेते हैं कि इनकी जरूरत है इसलिए हमारे पास आया, हम ये गलती बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके पास अगर कोई वेस्टिज का आदमी आ रहा है तो आप ये मत समझिएगा उसकी जरूरत है, ये समझना कि आपके बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि आपको जो चीज मिलने वाली है ना वो एक तरह से आपके भगवान के रूप में आपके घर पे आया है। अगर आप उसकी बात मानते हो और वो आपको पूरा सपोर्ट करने वाला हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैंने 2 महीने बहुत स्ट्रगल किया है इस चीज़ को समझने के लिए। अगर हमें कोई आसानी से समझाता है तो हम सोचते हैं कि नहीं उसकी ज़रूरत है, तो ये गलतफहमी हमें इसमें नहीं रखना है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन किया उसके बाद से मुझे जब सारी चीज़ें समझ में आने लगी तो वो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इसमें शुरुआत में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक बिजनेस है, कोई नौकरी नहीं है। सबसे पहले बात तो हमें ये मेंटालिटी रखनी है कि ये एक बिजनेस है, कोई नौकरी नहीं है। हम जब ज्वाइन होते हैं तभी हम सोचने लगते हैं कि हमने आज ज्वाइन किया, हमने आज सामान खरीदा और हमें पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स नौकरी में होता है कि हमने आज काम किया, 1 महीने काम किया और हमें पेमेंट आ जाती है। यहाँ भी हमें 1 महीने में पेमेंट आती है, बट उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, और वो चीज़ हम समझते नहीं और बिना समझे हम बोलने लगते हैं कि हमें पैसे नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसेस कैसे क्या होती है और क्या करना पड़ता है। जब हम प्रोसेस वही है जो हम बिजनेस मेंटालिटी रखते हैं, जब हम अकेले कोई बिजनेस करते हैं हम कितना पैसा लगाते हैं, जितना हमारे पास होता है। अगर हमारे पास 10,000 रुपये है तो हम 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जब हमारे पास 50,000 रुपये होगा तो हम 50,000 से स्टार्ट करेंगे। 1,00,000 रुपये होगा तो 1,00,000 से, यानी हम हमारी ईमानदारी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जब उस प्रोडक्ट या उस दुकान में जो भी है ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, जब उसकी बिक्री होती है तब जाके हमें पैसे मिलता है। तो सेम वही सिस्टम यहाँ भी है, यहाँ भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ बिजनेस हमें अकेले करना है, हमें अकेले 10,000 रुपये लगाना है, बट यहाँ पे बिजनेस हमें पूरी टीम के साथ करना है और हमें पूरी टीम से पैसे लगाना है और खुद उसमें ग्रोथ करना है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि बात यहाँ भी वही है, यहाँ भी हमें बिजनेस करना है, बट वहाँ क्या होता है कि हमें अकेले बिजनेस करना होता है, हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। हमारे पास जितना पैसा होता है हम वो लगा के बिजनेस शुरू करते हैं और उससे हमें पैसा आता है। यहाँ पे विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम साथ में और वेस्टेज कंपनी चाहती है कि हर व्यक्ति बिजनेस करे, जिसके पास कम पैसे हैं वो भी बिजनेस कर सके। ये सिस्टम कंपनी वालों ने बहुत सोच के साथ रखा है कि एक आम आदमी, क्योंकि बड़ा आदमी जो अमीर आदमी होता है वो तो कैसे भी बिजनेस खोल ही लेता है, वो बिजनेसमैन बन जाता है, पर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिजनेस सोचना या बिजनेस करना बहुत बड़ी बात होती है। पर कंपनी के जो फाउंडर हैं उनकी सोच है कि एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे बिजनेस करे, और उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी बिजनेस कर सकती है। आप बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना है कि वहां आपको अकेले पैसे लगाना है, यहां आपको अपनी टीम के साथ पैसा लगाना है। समझ लीजिए कि आपने अपनी दुकान चेंज करी और 3,000 रुपये का प्रोडक्ट आप अपने घर पे ला रहे हैं। आपने अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा और किसी और को भी बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं और आप अपने घर का प्रोडक्ट यूज करके अपनी दुकान चेंज करके इसमें पैसे कमा सकते हैं, अगर आपकी बात पे वो यकीन करता है और साथ में सेम यही काम वो भी करता है, और ऐसे ही करके अगर 30 व्यक्तियों तक यह बिजनेस आपका चला जाता है और एक साथ मिलकर आपने कंपनी का 1,00,000 का टर्नओवर कर लिया। जब आप कंपनी का 1,00,000 का टर्नओवर आपके डाउनलाइन में हो जाता है उस वक्त आपकी पेमेंट 30,000 उस महीने आती है। तो इतना पैसन होता है, क्या हम 1 महीने के अंदर 30 व्यक्तियों को ज्वाइन करा के 3,000 का सामान दिलवा सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो हमें 1 महीने में रिजल्ट आएगा, बट ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें वो सिस्टम नहीं समझ में आता। बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ कि मुझे भी समझने में देर लगा था समझने में एजुकेशन, क्योंकि जब तक हमारी औकात जितनी होती है हमें पैसे उतने ही आते हैं। जब हम उस लेवल को पार करते हैं, जब हम अपनी औकात में ग्रोथ करते हैं, जब हम अपनी औकात को बढ़ाते हैं, जब हम अपने एजुकेशन को बढ़ाते हैं, बोलते हैं जितनी लर्निंग उतनी अर्निंग, प्रोसेस काम में नहीं होती। यानी कि जिस दिन हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं सफल तो हम उसी दिन हो जाते हैं, बट प्रोसेस में टाइम लगता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक माँ जब ये सोचती है कि मुझे माँ बनना है, माँ तो वो उसी वक्त बन जाती है, पर 9 महीने बच्चे के आने में टाइम लगता है, वो उसकी प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स सेम वही सिचुएशन यहाँ होती है कि बिजनेस 1 महीने के अंदर हो सकता है, अगर हम इतना कर सके तो 1 महीने के अंदर पेमेंट, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ सकता है, बट वो प्रोसेस पूरी करने में हमें सालों लग जाते हैं। हमें अपने आप को तैयार करने के लिए इतने टाइम लगता है और हम सोचते हैं कि रिजल्ट 1 दिन में आ जाए तो कैसे हो सकता है, और हम हार मान के
अलग हो जाते हैं और खुद निगेटिव हो जाते हैं और दूसरों को भी निगेटिव कर देते हैं। सेम यही मेंटालिटी है जो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हम अकेले बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ईमानदारी से हमारे पास जितना पैसा होता है उतना पूरा लगा देते हैं। तो हमें यहाँ ईमानदारी क्या दिखानी है कि अगर हम बाहर की दुकान चेंज कर रहे तो हम जितने सामान बाहर से ला रहे हैं ईमानदारी से हमें सारा सामान सारा प्रोडक्ट अपने घर का यूज करना होगा। जब हम खुद ईमानदारी से काम करेंगे तो जो हमारे साथ रहेंगे वो भी हमारा देख के हमारे साथ ईमानदारी से काम करेंगे। क्योंकि हमें बताना है कि जितना पैसा हमारे पास है हम कम पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली है। तो हमारे पास 3,000 का बजट है तो हमें 3,000 लगाना है, हमारे पास 10,000 का बजट है 10,000। जितना हम इसमें ज्यादा लगा सकते हैं उतनी ग्रोथ ज्यादा होगी, उतनी जल्दी होगी। हमें ये नहीं देखना कि आज हमने बस इन्वेस्टमेंट ज्वाइन कर लिया, दो सामान लेके आ गए, बस हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। स्ट्रेटजी वही है जो आप अकेले करते हो वही यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ फर्क इतना है कि वहाँ आपको अकेले लड़ना पड़ता है, आपकी टीम सपोर्ट करती है। चीज को अगर हम समझ गए तो इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और ये गलतफहमी मत रहिए कि पैसा नहीं आता। मैं जिस दिन से ज्वाइन हुई पूरी ईमानदारी से काम कर रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन ग्रोथ मेरी होगी और सारा प्रोडक्ट मैं वेस्टीज का यूज कर रही हूँ। आपको यकीन नहीं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स यही बोलना चाहूंगी कि कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, कभी हमारे अंदर होती है और हम उससे दूर करने के बजाय दूसरे लोगों से बात करने लगते हैं, दूसरे लोगों से पूछने लगते हैं। जिन लोगों से पूछते हैं जो कि 4 महीने काम करके बाहर हो जाते हैं और वो बोलते हैं हमने इतने दिन काम कर लिया और हमें कुछ नहीं हासिल हुआ, तो हम ऐसे व्यक्तियों के पास जाते हैं जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, जो आगे बढ़ने का रास्ता खोजना नहीं चाहते और हम उनमें फंस के और हम भी उस रास्ते से भटक जाते हैं। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि जो लोग यहाँ सफल हो रहे हैं, जो लोग इस बेस्टीज के अंदर है, आप उनसे बात करिए और उनसे सलाह लीजिए और इस काम को बड़ी ईमानदारी से करिए जैसे हम खुद का बिजनेस कर रहे हो। इसे हमें ये समझना है कि ये हमारा बिजनेस है और हम इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें दूसरों का नहीं देखना है। सिर्फ फर्क यही है कि हमारी टीम हमारा सपोर्ट करती है, हमारे अपलाइन भी हमारे डाउनलाइन भी, सबको हमें साथ लेके चलना है। तो मेरा अनुभव अभी तक का यहीं तक का है, इसके आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी सारा अनुभव आपसे शेयर करती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप बेझिझक बेस्टीज कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं अगर मेरी बातों पर यकीन हो रहा हो तो। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि हमें ईमानदारी से अपने घर के सारे प्रोडक्ट वेस्टेज से यूज करने हैं, तो वो मैं खुद सारे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ इसलिए मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ। मैं आज 3 महीने से लगातार मैं सारे वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मैं एक भी बाहर की दुकान से कोई भी प्रोडक्ट नहीं लाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट सारे मैं यूज कर रही हूँ, ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, ये सब आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप ही सोच के देखिए कि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता, मैं 3 महीने से रेगुलर यूज कर रही हूँ तो आज मैं कुछ और आपको बता रही हूँ। मुझे आज इसका रिजल्ट मिला है, मैंने इसे यूज किया है, अगर मुझे कोई इसका साइड इफेक्ट होता, अगर ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो मैं पैसे के लिए कभी भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करती। तो फ्रेंड्स पैसे तो हमें कमाना ही है, हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और बेस्टीज से हमें पैसे और सेहत, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें मिलती हैं। तो क्यों ना हम अपनी दुकान चेंज करके और सारे प्रोडक्ट वेस्टीज से यूज करके और अपना एक बिजनेस खड़ा करें। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, आप अगर चाहे तो मैं आपको एक एक प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको रिव्यू करके दिखा सकती हूँ। आप कमेंट में हमें कमेंट करके बोलिए कि आपको किस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगी। आप कमेंट जरूर करें, कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हमारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।